भाई कल रात में एकदम अजीब सा हुआ, जैसे लग रहा था कि भूत आ गए घर पे। आपको बताएंगे आप भी शॉक हो जाएंगे कि मतलब एक टाइम पे ही 15 मिनट के अंदर सारी चीज़ें हो गई। करीब रात के 1 बजा होगा, एसी चल रहा था और चलते चलते एकदम से बंद हो गया। स्टेबलाइजर जो था उस पर रेड लाइट आने लग गई, तो मैं लगा शायद ओवर हीट हो गया या फिर एकदम से फ्लैक्चुएट हुई थी लाइट, तो शायद हमें लगा स्टेबलाइजर ख़राब हो गया होगा। 2-3 बार ऑफ करके ऑन करा लेकिन वो चला नहीं, उसमें स्टेबलाइजर पर रेड लाइट आती रही, तो हमें लगा हो सकता है रिले रिले ख़राब हो गई हो, हमने अब बंद कर दिया। उसको जैसे ही बंद करा लेटे, करीब रात के बजा हुआ एकदम से आवाज़ हुई, कुछ गिरा भड़क से। तो इधर उधर जाके देखा, बाहर वाला गेट भी खोल के देखा, छत से भी गए, हर जगह गए लेकिन कुछ मिला नहीं। फिर एकदम से ये वाला कमरा है, इसमें आए तो देखिए वॉल पे एक पेंटिंग दिख रही है आपको और दो निशान है। अगर आपने पहले से वाला ब्लॉग देखा होगा तो जो दो निशान है ये दो पेंटिंग, ये देखिए एक ये गिरी हुई है और एक ये गिरी हुई है। तो ये जैसी गिरी थी रात भर वैसी गिरी है, अभी उसको उठाया उठाया नहीं है, अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 10:30 बजे हैं। और यहाँ पे लैपटॉप का जो फ़ैन होता है वो रखा था, उसके ऊपर गिरा तो वो भी थोड़ा सा टूट गया है, तो उसमें फेविक्विक लगा दिया। ओ, दो पेंटिंग अपने आप एक साथ गिरी। तो जब इधर आके देखा तो लाइट खुली, मतलब लाइट जलाई तो देखा कि पेंटिंग दोनों गिरी हुई थी। उसके बाद फिर एकदम से जब पेंटिंग को उठाने के लिए बढ़ ही रहे थे तो पूरे घर की लाइट बंद हो गई, और लाइट जबकि आ रही थी, जो इन्वर्टर है बाहर का और इंडिकेटर होता है लाइट वाला, उसमें लाइट दिखा रहा था कि हाँ लाइट आ रही है, लेकिन पूरे घर का जो फैन था, लाइट थी रात में जो खुली थी, देखने के लिए क्या हुआ, आवाज़ कैसी आई रात में, तो वो सब लाइटें बंद हो गई। लेकिन बाहर वाला जो कमरा है उसमें लाइट जल रही थी, ना फैन चल रहा था ना कुछ, लेकिन एक लाइट उसमें जल रही थी लगातार। तो बाहर जो पोर्च है उसमें सब MCV और स्विच सारे सॉकेट दिए हुए हैं, हम सोचा हो सकता है MCV गिर गई हो, मेन MCV गिर गई इसलिए सारे घर की लाइट चली गई, लेकिन इन्वर्टर से हो सकता है बाहर वाले कमरे का कोई ऐसा कनेक्शन हो जो उसका बल्ब जल रहा है। तो देखा सारी MCV भी ऑन थी, और एकदम से फिर करीब 1 या 2 मिनट हुए होंगे खट्टे से एक आवाज़ हुई, जो कि जो बाहर इन्वर्टर है बैटरी इन्वर्टर उससे हुई। और मैं जब जाके देखा तो देखा कि उस पर बैटरी चार्जिंग है वो ज़ीरो दिखा रहा है, मतलब अभी आपने 2 दिन पहले ब्लॉग में देखा होगा मैंने बैटरी वाटर डाला था, बैटरी एकदम सही थी, चार्ज हो रही थी, दिन भर लाइट भी आई, लेकिन फिर भी बैटरी चार्ज नहीं हुई। बैटरी चार्ज नहीं हुई तो जो इन्वर्टर था मेन उसको मैंने बंद कर दिया, और एकदम से जैसे ही उसको बंद किया फिर लाइट भी चली गई। तो मतलब सब कुछ 15 मिनट के अंदर ऐसा माहौल हो रहा था, जैसे लग रहा था कि भूत है घर में। और लाइट जाने के बाद फिर यही हुआ यार, रात के 1:30 बज रहे हैं अब, और अब इस टाइम किसको बुलाएंगे, लाइट चेक कराएंगे, या फिर जो लग रहा था कि AC का स्टेबलाइज़र ख़राब हो गया उसको चेक कराएंगे, लेकिन बाहर जो स्टेबलाइज़र था मेन स्टेबलाइज़र जो लगा हुआ है उसमें वोल्टेज सही आ रहा था, उसमें 190-195 वोल्टेज आ रहा था। फिर लाइट चली गई, 2 ही मिनट बाद लाइट चली गई, और 5 मिनट के बाद लाइट आई है, तो क्योंकि चेक कर रहे थे कहाँ पंखा चल रहा है कहाँ लाइट जल रही, तो सारे घर की पंखा लाइट जो जो ऑन करके भूल गए थे, फिर लेट गए थे जाके, वो सब फिर एकदम से चलने लग गया। मतलब जो चीज़ें सब ख़राब थी कि लग रहा था कि AC का स्टेबलाइज़र ख़राब हो गया नहीं चलेगा, वो चलने लग गया, और बाहर इन्वर्टर बैटरी जो है लग रहा था चार्जिंग नहीं कर रहा वो चार्ज होने लग गई। उसके बाद मेन MCV बंद करके जब देखा तो देखा जो बैटरी ऑफ थी, जो दिखा था बैटरी लो है चार्ज नहीं है, उससे भी पंखा और लाइट चलने लग गया। तो मतलब 15 मिनट में सारी चीज़ें एकदम से हो गई, किस वजह से हुई कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन यह है कि अब एकदम सही चल रहा है, लाइट पंखा बिजली हर चीज़ मोटर वोटर सब कुछ चल रहा है। तो ये रात में कुछ हुआ जो 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में हुआ, और ये बाहर वाला कमरा है, इस कमरे में जो लाइट वाइट थी वो सब जल रही थी लाइट जाने के बाद भी, और ये देखिए फेविक्विक से इसको जोड़ दिया है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्रैक हो गया है, फेविक्विक डाल दिया तो पता नहीं चल रहा, ये देखिए पतली सी लकीर है। तो इसके ऊपर जो पेंटिंग थी वो गिरी, और लैपटॉप भी वहीं था लेकिन ये लैपटॉप पे नहीं गिरा तो ये टूट गया। तो ये था रात का कुछ माहौल, और अभी गेम बनाने जाना है नेक्स्ट चैनल के लिए, जो मेरा काइज़ोन वाला चैनल है, कोशिश करेंगे। और ये देखिए ये जो है ये चिपकता है, ये देखिए मेरी उंगली में भी देखिए चिपक जा रहा है, देखिए चिपक के उड़ जा रहा है, ये देखिए लेकिन ये छूट रहा है, अब उतना उसकी चिपक रह नहीं गई, लेकिन पता नहीं कैसे गिर गया, और दो एक साथ गिर गए, वरना देखिए एक अभी भी लगा हुआ है, गिरते तो तीनों गिरते या कोई एक साथ एक गिरता खाली, लेकिन दो एक साथ गिर गए तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, एक ही टाइम पे दो कैसे गिर गए। तो आपने देखा था KGMU में पेपर जमा कर रहे थे रिमेसमेंट वाले, तो वो भी उठाना है, तो पहले चलते वो पेपर उठाएंगे उसके बाद देखते हैं पे जाना होता है। लेकिन सुना है आपको बताया था कि जहाँ पर पतंग लड़ी थी बहुत बढ़िया छत है, लेकिन सुना है छत बदल गई, कोई दूसरी छत है चौक में। तो भाई हॉस्पिटल पहुँच गए थे KGMU, और इसी वजह से सरकारी का कोई काम होता नहीं है, अब जिनसे पेपर लेना है वो है नहीं, कोई और बैठे हैं, वो बता रहे हैं पता नहीं कहाँ गए, आधे घंटे में आइए, और 15-20 मिनट वेट कर लिया है, लेकिन क्योंकि आपको पता है दूसरे चैनल का भी गेम बनाना है तो निकलना पड़ेगा, और रक्षाबंधन के बाद आएंगे अब, इसी वजह से
कुछ दिनों बाद आते हैं, अगर 7 दिन बाद बुलाते हैं तो 10 दिन बाद आते हैं, लेकिन अब बताने वाला कोई नहीं है कि कहाँ गए हैं। अब बता रहे हैं आधे घंटे बाद आइए, पता नहीं कहाँ गए, ये किसी को नहीं पता। ये सरकारी ऑफिस है KGMU का। तो अब आते हैं कुछ दिन बाद और देखते हैं रिप्लेसमेंट वाला कागज़ अगर कंप्लीट हो गया हो, साइन सिग्नेचर होने थे सुपरिटेंडेंट के हो गए होंगे तो उठा लेंगे, और रक्षाबंधन के बाद जाके सीधे उसको वायरलेस चौराहे पे जमा कर देंगे। छत है, ये छत है जहाँ से पतंगबाजी हो रही है। ये देखिए यहाँ बंदर की भरमार, अटैक हो रहा है बंदरों का, सब बंदर लगे हुए हैं, और यहाँ सब पतंगबाज सब बहसबाजी करते हुए। और अपोजिट छत ये है, दूसरी टीम देखिए यहाँ पे खड़ी हुई है, चरक के पास है, चौक में पतंगबाजी हो रही है मिट्टी लगाते हुए। आशु भाई ये सारी पतंगबाजी, ये है व्यू यहाँ का। तो पतंगबाजी हो जाए फिर निकलेंगे यहाँ से, अभी तो गेम कवर हो रहा है। और ये देखिए KGMU चौक लखनऊ, ज़्यादा दिक्कत आ गए आशु भाई की शॉप पे। और आज सुबह एक आर्टिकल पढ़ा था टाइम्स नाउ में कि आज होगा फुल ब्लू मून, मतलब नीला चांद, समझे, आज नीला चांद निकलेगा। और 8:30 बजे बताया गया था वो पीक पे होगा कि पूरा ब्लू मून दिखेगा। तो अभी रात का समय है और 7 बजा है, तो वेट करते हैं और देखते हैं, वेट करते हैं फुल ब्लू मून का क्या हुआ। चाबी दे। और ये शाकिर भाई जा रहे हैं बढ़िया बिरयानी लेने। भाई शाकिर भाई को भेज दिया है बिरयानी लेने के लिए, और मम्मी के लिए भी एक बिरयानी मंगा ली है। और ये हमारे शाकिर भाई लेके आ गए हैं। फेंक दिया क्या झोला, लग तो ऐसी रहा तुमने, एंगल तो ऐसी बनाया है। बिरयानी टुंडे अमीनाबाद की भाई, आशु भाई खाएंगे नहीं, सिर्फ हम और शाकिर भाई खाएंगे, नहीं खाओगे ना। तो भाई एक बिरयानी मम्मी के लिए ले जाएंगे, इसलिए दो बिरयानी यहाँ खाई जाएगी और एक हटाई लेना। एक पलटो, एक पलटो पहले भैया, 8 तारीख कलकत्ता बुकिंग ले लो। बिरयानी का टेस्ट खराब कर दे रहे हो यार, नींबू उसमें डाल दिया है, रायता पी लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिरयानी भगा भग अपना अपना रहो, बेमानी ना करो। और क्या, सारी बोटी तुमने खाई है, हम लोग को सिर्फ चावल मिले, हमको शाकिर को बेमानी है। किसमें है बोटी यार, मैं तुमको लो 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 थम्स अप पियो, पियोगे थम्स अप, थम्स अप नहीं पिएगा, तुमने थम्स अप पीना नहीं सिखाया। तो भाई मज़ा आ गई, बढ़िया बिरयानी थी टुंडे यार की अमीनाबाद। जी शाकिर भाई हमारे जाते हैं जल्दी लेके, पूरी मार्केट सजी है चौक में रक्षाबंधन। तो भाई चांद नीला होने की अपडेट थी, चांद ना नीला हुआ ना पीला हुआ, जैसा सफ़ेद था वैसे ही सफ़ेद है। पता नहीं कब कितनी रात में होगा, इतना इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। घर हम पहुंच गए, गेट खुल गया है मेरे घर का, चलते हैं घर के, कोई फ़र्क नहीं, एकदम सफ़ेद रखा हुआ है। तो घर पहुँच गए, लॉक को इन करेंगे, पहले मम्मी को खिलाते बिरयानी। खा के देखो कैसी है बताओ, बहुत महंगी है, 500 रुपये का डिब्बा है ये, किलो नहीं, हाँ गिर जाएगा, प्लेट उठा लो,
कैसी है? बढ़िया है। 1000 रुपए की है अभी तो, बढ़िया है। 1000 रुपए का एक डिब्बा मिला है खाली। हाँ, हम भी खाना खाते हैं, ब्लॉग को यही पहन करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।